गाइस अभी मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ूंगा। अच्छा, और मेरे पैरों में काफी दिनों से जंक भी लग गया है, तो उस जंक को भी आज दूर करेंगे। तो गाइस चलिए दौड़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगा गाइस, एक ही बार में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं और नीरज आए थे सुबह में टहलने के लिए, तो ये व्लॉग काफ़ी मैं जल्दी स्टार्ट कर दिया हूँ। और भजन चल रहा है और एकदम मस्ती से हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं क्या ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है, दोनों बगल एकदम नेचर से भरा पेड़ पौधे और बीच में एक रोड जिस पर हम लोग चल रहे हैं। सो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी सूरज चच्चू भी निकले हैं देखिए वहाँ पे, और पता नहीं कब निकलेंगे। और गाइस ये टहलने का मुझे तो थोड़ा और लगता है, लेकिन पापा बोलते हैं कि थोड़ा टहला करो सही रहेगा। तो पापा अगर ये व्लॉग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि हाँ टहलने जा रहे हैं। बात तो सही है। तो गाइस निकल चुके हैं और देखिए सूरज चच्चू निकल गए वहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ देखिए वहाँ पे। तो गाइस यही है, अभी हम लोग टहलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और सुबह के जो हवा है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश हवा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी टहलने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे टहलने के लिए आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा मूड बन रहा है कि थोड़ा दौड़ भी लें। सो गाइस अभी मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ूंगा, और मेरे पैरों में काफ़ी दिनों से जंक भी लग गया है, तो उस जंक को भी आज दूर करेंगे। तो गाइस चलिए दौड़ते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो गाइस अभी तो मैं रनिंग कर लिया हूँ, आपने देखा ही। और अभी का सीन ये कि भी हम लोग घर चलते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया। और देखिए सूरज चच्चू कहाँ पे आ गए हैं। तो क्या नाचो मैं? सो गाइस अभी चलते हैं घर और फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ और फ्रेश भी हो गया हूँ, खाना भी खा लिया हूँ। तो जैसे ही मैं खाना खा के उठा और रेस्ट करने गया, तो हमारे पप्पा श्री ने बोला कि बाबू आज खेत में पानी चलाना है। तो पप्पा श्री का तो आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। बात तो सही है। तो चलिए ये जो पीछे खेत देख रहे हैं ना, इसे में हम लोग को पानी चलाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये है। और गाइस ये सुबह में हम लोग मिल के पूरे लोग, मैं मेरा भाई और पापा मिल के इसको साफ किए हैं, और अभी ये पूरा साफ हो गया है। मैं आपको यहाँ का बोरवेल दिखा देता हूँ, ये हम लोग का बोरवेल। गाइस देखिए लेकिन इसमें पानी कुछ भी नहीं है, तो पानी इसमें पहले डालना पड़ेगा। तो गाइस अभी मशीन की ज़रूरत है और मशीन अभी है नहीं यहाँ पे, घर पे है मशीन। और मैं सुबह में जल्दी उठ गया था, तो भगवान ने मुझे कुछ वरदान दिया है, कुछ स्पेशल वरदान है, तो मैं उससे उन शक्तियों का यूज करके मैं यहाँ पे मशीन लाने वाला हूँ। तो गाइज आइए उन शक्तियों का यूज करते हैं। तो गाइज मैं अपने शक्तियों का यूज करके मैं मंगाता हूँ अभी मशीन। तो मेरे शक्तियों का नाम है बेकार शक्तियाँ। तो बेकार शक्तियाँ मशीन लाओ, 1 2 3। सो गाइज मशीन तो आ गया, अब मंगाते हैं पाइप। पाइप आ जाए। सो गाइस पाइप तो आ गया, लेकिन एक पाइप से काम नहीं चलेगा, एक और पाइप मंगाते हैं। एक और पाइप आ जाए, ये कहाँ पे आया। सो गाइस यहाँ पे एक और पाइप आ गया, तो अभी मंगाते हैं ऑयल। तो ऑयल आ जाए। सो गाइस ऑयल भी आ गया, और अभी एक चीज की और कमी है, सेक्शन पाइप की, जो ग्रीन कलर का होता है। तो सेक्शन पाइप आ जाए। सो गाइस सेक्शन पाइप भी आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इसको हम लोग असेंबल करते हैं यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइज हर काम शक्तियों से नहीं हो सकता, तो हमें खुद भी करना पड़ता है। तो आइए पहले इसको बांधते हैं। बात तो सही है। सो गाइज हम लोगों ने सभी पार्ट को असेंबल कर दिया है और पानी भी इसमें डाल दिया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगा गाइज, एक ही बार में। सो गाइस अभी खेत के अंदर आ गए हम, और देखते हैं कब तक पानी पूरा चल पाता है खेत में।
टाइम तो थोड़ा लगेगा, करीब 2 से 3 घंटा। सो गाइस पानी चलाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस फाइनली पानी पूरा चल गया खेत में, आप देख लीजिए पूरा पानी चल गया इसमें, और काफ़ी टाइम लग गया, करीब 3 से 3.5 घंटा का टाइम लग गया। और अभी यहाँ पे मशीन है, और गाइस अभी का प्लान ये है कि ये पीछे जो आप लीची देख रहे हैं दोनों, तो भगवान जी तो बारिश कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग पानी ऊपर से चला दें। ऐसे तो नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं हो पाएगा। नीचे यहाँ पे हम लोग इसको मेजार बोल सकते हैं कि इसमें लगा दिए हम लोग पानी रुकने के लिए, तो दोनों लीची में लगा दिए हैं वहाँ पे भी है। तो गाइस बस यही प्लान है कि यहाँ पे ये हम लोग पाइप भी लगा दिए हैं यहाँ पे, और इसमें पानी चलाना है मशीन से, जिससे कि नीचे से पानी उठा के इन लीचियों में पानी आ जाए और थोड़ा सा मिठास आ जाए और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो जाए। तो अभी देखिए गाइस बहुत छोटा है, तो बस यही है, मशीन को हम लोग चालू करते हैं फिर इसमें भी पानी चलाते हैं। अब हम लोग सोचे कि पास ही में दोनों लीची है तो इसमें पानी चला ही देते हैं, तो क्या ही जाता है इसमें, तो पानी चलाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। पहले इस छोटे से आम में हम लोग पानी दे रहे हैं ताकि जल्दी से बड़ा हो जाए। गाइस 5-6 साल हो गया अभी, इतना सही है, इतना सही है, ये पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता ये। अरे बाबा नीरज पानी हो गया हटाओ। तो गाइस अभी लीची में पानी दे रहे हैं, तो गाइस इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं और मेरा भाई। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग पानी चलाए और लीची में भी पानी चलाए हैं, और वो जो मशीन है उसको भी हम लोग घर लेकर जा रहे हैं। तो फिर अभी फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, और बस तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप इस ब्लॉग को अभी देख रहे हैं तो इस ब्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।